गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, कि इक्वेशन और जो रिएक्शन का जो चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जब इक्वेशन है उसमें हम टू लगाएं कि फोर लगाएं, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करें। बड़ा शेड्यूल होता है। जब हम स्टूडेंट्स थे हमें भी प्रॉब्लम आती थी कि मैम यहाँ पे दो लगेगा, चार लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन जो होती है जो बैलेंस करते हैं ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब, जब इक्वेशन होती है रिएक्टेंट होते हैं उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? जितने एलिमेंट आपके एलएचएस साइड पे, यानी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, दिसमें लेफ्ट हैंड साइड, दिसमें राइट हैंड साइड, जो प्रोडक्ट के बाद जो रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उन दोनों के एलिमेंट्स जो एटम, जो एलिमेंट्स उनके एटम नंबर इक्वल होने चाहिए। ये आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? स्टूडेंट्स, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट की जो जो प्रोडक्ट होगा जिससे कि रिएक्शन होनी है, उसमें जितने एलिमेंट्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका जो एटम नंबर है वो दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन में या रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एटम्स का नंबर एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। दिस इज अ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये किस पे लॉ करता है स्टूडेंट? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे वर्क करता है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी और जो मास होता है उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अनुसार मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होता है कि जो मास होता है उसको क्रिएट भी नहीं कर सकता और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। तो ये क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन में हम ये काम मिलेंगे। हम हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे दो लगेगा, चार लगेगा, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ आज हम सब देखेंगे। और ये बहुत इजी वे में होगा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे दो लगेगा, चार लगेगा, एक बड़ा हेक्टिक रोल होगा, मैम यहाँ क्या लगे। हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस H2। अब आपके सामने ये क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये इक्वेशन हो गई। इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद आफ्टर क्या बना, ये प्रोडक्ट बना। हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे एक लिखेंगे LHS, एक लिखेंगे RHS। इसमें लेफ्ट हैंड तो ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिख दीजिए RHS यानी राइट हैंड साइड। तो आप देखिए LHS साइड पे कितने एलिमेंट है। यहाँ पे ये एलिमेंट है जिंक, तो जिंक में कितने एटम है स्टूडेंट्स, कितना है, एक। तो यहाँ पे इसके एक एटम, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, इधर लिख दीजिए जिंक साइड कितना है, जिंक यहाँ पे भी एक एटम है। अब आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितने एटम है यहाँ पे, टू। और इधर हाइड्रोजन कितने एटम है स्टूडेंट्स, इधर भी टू एटम ही है। इधर क्या सल्फर का कितना एटम है, वन। और इधर सल्फर का भी वन एटम है। अब आप देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, फोर। और इधर ऑक्सीजन कितना है, फोर। यानी यहाँ पे क्या होता है, जितने एलिमेंट के एटम जितने इधर है उतने ही इधर है, यानी जितने LHS पे उतनी RHS पे, यानी ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन। इसको हम बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। आप देखिएगा यहाँ पे जितने एलिमेंट यहाँ पे वन टू वन फोर जिंक हाइड्रोजन सल्फर वही उतने ही ये नंबर है। ऑक्सीजन फोर, ऑक्सीजन फोर है, सल्फर वन है, सल्फर वन, हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन टू, जिंक वन, जिंक वन। अब एक ऐसे इक्वेशन देखते हैं जिसको कि हमें बैलेंस करना है। ओके स्टूडेंट, हम एक अगले इक्वेशन देखेंगे जिसको हम बैलेंस करेंगे। अब ये रिएक्शन को हम देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। पहले वाली जो हमने रिएक्शन जो देखी थी वो तो पूरी बैलेंस थी। यहाँ देखते हैं यहाँ पे जो LHS और RHS में डिफरेंस क्या है। यहाँ सोडियम कैटम क्या है, वन, और यहाँ पे सोडियम कैटम वन, यानी ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन टू है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, टू, और एक वन, थ्री एटम है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, वन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पे यहाँ पहले हमें सब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन इसमें बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे लिखा लगा देंगे टू लगा देंगे, टू लगाते हैं तो क्या बनेगी रिएक्शन, टू, यानी यहाँ पे हम टू लगा दें क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको बैलेंस करना है टू एच टू। अब यहाँ पे टू लगाएंगे तो यहाँ पे भी टू लगाएंगे। अब
अब आप देखिए कितना हुआ, अब आप देखिए सोडियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, और इधर कितना हाइड्रोजन 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप देख लीजिए सोडियम 1 है या सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन 2, यानी अब हमें सोडियम बैलेंस करना है। सोडियम बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाएंगे 2, अब कितना हुआ, अब आप देखिए एल एच एस कितना है आपके इधर, एल एच एस और आर एच एस को आप देख लीजिए, यानी आपकी सोडियम कितना हुआ, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन कितना हुआ इधर, कितना है सोडियम 2, कैसे हुआ 2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम 2 हो गया। ओके अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 2 4, तो ये हाइड्रोजन कितना है, वो इधर कितना है इधर 2 और इधर 2, यानी इसका भी से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और ये 2 मिलके कितना हुआ हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितना हुआ स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कितना है इसलिए ये भी मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन से, ये 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन भी इधर 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी दोनों तरफ बराबर है, एल एच एस इक्वल आर एच एस, यानी सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यानी ये हमारी जो है रिएक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस हो गई थी, एटम एल एच एस पे उतने एटम आर एच एस पे। तो स्टूडेंट अब एक नई क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, C2H6+O2CO2+H2O, इसको हम बैलेंस करते हैं, तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, एक बार एल एच एस लिखेंगे और एक आर एच एस लिखेंगे, हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स उसमें कितने कितने एटम है। फर्स्ट हम देखेंगे दिस इज एल एच एस और दिस इज आर एच एस। ओके अब एल एच एस में कार्बन कितने एटम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कार्बन कितने एटम है 1। ओके हाइड्रोजन कितने एटम है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है 2 और 1 3 एटम। अब इसको बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन की जो एटम है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो आप इसको हाइड्रोजन फिक्स करने के लिए सिंपल एज दैट से किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या बनेगा C2H6+O2=CO2+3H2O। अब यदि हम जब 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितना हुआ 3 2 6, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कार्बन कितना है 2, अब यहाँ पे कार्बन कितना है 1, इसको करने के लिए यहाँ पे कार्बन क्या 2 लगा देंगे। अब आप देखिए क्या क्या बैलेंस हो गया हमारा, कार्बन 2 इक्वल, अब आप हाइड्रोजन 6 बैलेंस, अब बचा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे ये कितने इसके साथ भी आएगा, ये कितना 3 और ये कितना है 2 2 4, तो 4 और 3 कितना होगा 7, अब 7 आ गया, तो 7 हम लगा नहीं सकते, तो क्योंकि हमें केवल गोल नंबर ही लगाना है, हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट C2H6+7O2। ओके स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे 7/2, क्योंकि केवल यहाँ पे होल नंबर ही यूज होता है, इसलिए क्या करेंगे 2CO2+3H2O, और पूरी इक्वेशन को हम सप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए क्या हुआ आपका, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना होगा 2C2H6+, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा 7O2+, ये कितना होगा 2 2 4 CO2+, कितना होगा 3 2 6H2O। अब आप काउंट करिए हाइड्रोकार्बन कितना है 2 2 4, कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 6 2 12, यहाँ पे कितना होगा हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन देखिए देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है 7 2 14, और इधर भी कितना हुआ, ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 4 2 8, 8 और 6 कितना हुआ 14, कार्बन कितना है आपका इधर, कार्बन कितना है 4, इधर भी इधर कार्बन कितना है 4। अब आपका हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर कितना हुआ स्टूडेंट 6 2 12, कार्बन में आपका हाइड्रोजन भी इक्वल है, आप देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ इधर कितना है 7 2 14, इधर भी आपका कितना है 6 और 8 कितना हुआ 14। पूरी केमिकल रिएक्शन जो है
पूरी बैलेंस हो गई है। आप देख लीजिए इस तरीके से, ये फर्स्ट स्टेप था जो हमने स्टार्ट करी थी, ये सेकंड स्टेप हुआ इसका, ये थर्ड स्टेप हुआ और ये फोर्थ में हमारी इक्वेशन पूरी हो गई। स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी है, आप ये देखिए कि आप डिजिट्स को रखते जाइए, आपको लगता है कि यहाँ ये नंबर बढ़ गया कोई बात नहीं, आप ड्रॉप कर दीजिए, मैंने धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप हम एक ये इक्वेशन लेते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट ये बनता है, तो जिससे रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट को इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो हम वापस क्या करेंगे, हम दोनों साइड देखेंगे कि एलिमेंट्स से कितने कितने उसमें एटम है। ओके स्टूडेंट्स अब आप देखिए इधर लिख दीजिए LHS और इधर लिख दीजिए RHS राइट हैंड साइड। अब आयरन के कितने एटम है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयरन का 1 एटम और यहाँ पे आयरन के, आयरन एटी क्या होता है आयरन होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और इधर हाइड्रोजन कितना एटम है स्टूडेंट्स 2। अब ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन कितना है 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है 4। ओके सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि इसमें इसमें एटम ज्यादा है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन से बैलेंस करना शुरू करेंगे। ओके तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो आप लगाइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाइए आपको आ जाएगा। ओके तो पहले लिख दीजिए आयरन प्लस, तो आप क्या लगाएंगे इधर आपके इधर 4, इधर कितना है 4, तो 4H2 क्योंकि इधर 4 है इसलिए हमने यहाँ 4 लगाया, तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए। ओके क्योंकि यहाँ हमारा 4 है इसलिए जितना इधर है उसे उस एटम पे आप एलिमेंट लगाइए, तो ये कितना हो 4, अब क्या हो Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखिए आयरन कितना है 1, ओके यहाँ पे आयरन 3, अब आप देखते जाइए। अब हाइड्रोजन के तो ये आपका बैलेंस नहीं है, अभी इक्वेशन हमारी चल रही है, पहले एक एक को आप बैलेंस करते जाइए। अब हाइड्रोजन कितना हुआ, ये कितना 4 2 8, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी यहाँ केवल अभी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हुआ। अब आगे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, क्योंकि आप हाइड्रोजन जो बैलेंस करेंगे क्योंकि अब आयरन के बाद हाइड्रोजन ये वो बहुत ज़्यादा है, आयरन को लास्ट में करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ये कितना 4 2 8 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या 4 2 8 हो रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 लिखते हैं, तो कितना हुआ 8 हो गया, 4 2 8 4 2 8, अब आपका जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गया। अब आयरन को बैलेंस करना बाकी है, आयरन कितना 1 है, ओके इसको हमें बैलेंस करना है। अभी जो हाइड्रोजन है 4 2 8 वो इक्वल है, 4 2 8 वो भी इक्वल हो गया, ऑक्सीजन देखिए 4, ऑक्सीजन देखिए 4 वो भी इक्वल है। अब क्या बचा आपका आयरन, आयरन देखिए आयरन कितना 3, तो आप यहाँ लगा दीजिए। आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या कीजिए 4H2O प्लस यहाँ पे कितना है आपका स्टूडेंट्स 3O4 प्लस 4H2, तो यहाँ पे आयरन 3, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयरन कितना हुआ इधर 3 है, आयरन इधर 3, पहला आप इधर देख के देख लीजिए फाइनल स्टेप, ये LHS है आपका और ये आपका RHS है। आयरन कितना हुआ आपका, Fe कितना हुआ 3, इधर Fe कितना हुआ इधर के लिए 3, हाइड्रोजन देख लीजिए आप 4 2 8, इधर हाइड्रोजन कितना हुआ स्टूडेंट 4 2 8, ओके ऑक्सीजन देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है 4, इससे तो होगा मल्टीप्लाई, इधर भी क्या है आपका ऑक्सीजन 4, यानी दोनों बराबर है। RHS इक्विवेलेंट किसके है LHS के, LHS किसके इक्विवेलेंट RHS, ओके स्टूडेंट्स ये आपकी क्वेश्चन क्लियर हो गई। जो सबसे ज्यादा अमाउंट जिसका हो जिस एटम का पहले उसको क्यों रखिए, ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे पहले मेटल देखते हैं फिर नॉन मेटल देखते हैं फिर ऑक्सीजन देखते हैं देन आफ्टर हाइड्रोजन देखते हैं, एक तरीका भी होता है कि इसमें पहले आप मेटल देखिए फिर नॉन मेटल देखिए फिर आप ऑक्सीजन देखिए लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सबसे जो ज़्यादा एटम है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा उसको पहले उठाते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उसको बैलेंस करते जाते हैं। आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए उसके बाद आप कहिए जो एलिमेंट्स उसके एटम को काउंट कीजिए, तो कितने एटम LHS पे और कितने एटम RHS में उसको आप बैलेंस करते जाइए। पहले एक स्टेप कीजिए फिर सेकंड स्टेप कीजिए थर्ड स्टेप कीजिए, धीरे 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 करते वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ये मत सोचिए कि यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, दिस इज अ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बहुत ईजी है। स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं कि मैम इसको हम बैलेंस करना नहीं आ रहा, यहाँ एक बढ़ाता डिजिट तो वो डिजिट जो होता है LHS बढ़ जाता है, LHS बढ़ जाता है तो RHS बढ़ जाता है, ऐसा
नहीं होता है, धीरे धीरे आप क्या कि जब बैलेंस करते हैं तो इसमें आपके जो सबसे जब पहले आप LHS लिख दीजिए और RHS लिख दीजिए, उसके बाद आप देखिए इसमें एटम्स कितने कितने, तो सबसे एटम पहले उसको उठाइए, उसको बैलेंस कीजिए, उसके बाद जो उसके बाद नेक्स्ट उसको बैलेंस कीजिए, एक एक को बैलेंस करते जाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर एलिमेंट बढ़, जो एटम बढ़ा उधर ही बढ़ जाए, कोई बात नहीं, उसको आप ड्रॉप कीजिए और स्टूडेंट आप बैलेंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इजीली बहुत इजीली आ जाएगा, ये बहुत इजी टॉपिक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप देखिएगा कि आपका जो LHS और RHS इक्वल होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज अ ट्रायल मेथड था, दिस इज अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।